हेलो दोस्तों, खिचड़ी खाने को किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही खिचड़ी अगर मज़ेदार सा हो सब्ज़ी के साथ और साथ में वो हेल्दी हो और टेस्ट में थोड़ा स्पाइसी हो और मज़ेदार सा हो, तब तो और भी मज़ा आता है ना। और अगर बारिश का मौसम हो और जैसे कि क्लाउडी हो और लग रहा है कि बारिश होने वाला है, और तब अगर खिचड़ी बनाए मज़ा आएगा ना। वैसे ही अभी यहाँ का वेदर है, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बनाते हैं और जो भी बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो खिचड़ी बनाने का ये जो मज़ेदार रेसिपी है, इसका हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और ये मज़ेदार सा, इंटरेस्टिंग सा, टेस्टी सा, स्पाइसी सा खिचड़ी बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 5 फ़ोरन, दलिया, करी पत्ता, मसूर का दाल, आलू ले लिया गोल गोल करके काट के, टमाटर लिया है, बैंगन को भी गोल गोल काट लिया है, साथ में धनिया पत्ता ले लिया गार्निश के लिए, मटर ले लिया, टमाटर हो गया, हरा मिर्च हो गया, ओनियन है, बहुत सारे आइटम्स हैं, अदरक है। लेकिन कहाँ पर कब ये आइटम्स यूज़ करना है वो हम बनाते बनाते देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं खिचड़ी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कुकर, उसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है मटर। मटर मैंने फ्रोजन यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। डाल दिया मैंने 4 टेबलस्पून दलिया, साथ में मसूर का दाल मैंने धो के रखा था वो भी डाल दिया। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी टमाटर, हरा मिर्च और करी पत्ता। अभी इसमें मिलाएंगे पानी, गैस को ऑन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जैसे ही एक उबाल आएगा हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे और इसका 4 से 5 सीटी बजाएंगे। और याद रखिएगा मीडियम से हाई फ्लेम में रखिएगा कुकर को। चलिए जब तक हमारा सीटी बजता है कुकर में, हम बाकी का जो चीज़ें हैं वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बैंगन को फ्राई करना है। तो बैंगन को अगर फ्राई करेंगे, वो सरसों का तेल में अगर फ्राई करेंगे ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोभी को फ्राई कर लेंगे जो कि हमारे खिचड़ी में डलने वाला है। ध्यान रखिएगा गोभी को अगर आप धो के रख रहे हैं उसका पानी को अच्छे से झड़ा लीजिएगा, नहीं तो तेल में डालेंगे तो वो उसका जो तेल है छिटक के आपके ऊपर आएगा। तो बहुत ही संभाल के फ्राई कीजिएगा गोभी को। मैंने गोभी को धो के नमक लगा के साइड में रख दी थी। गोभी को हमें हाई फ्लेम में फ्राई करना है, तो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगा, फिर नहीं तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत तेल खा लेगा। तो हाई फ्लेम में मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ और बस देखिए गोभी फ्राई करके हो गया। इसको अभी एक अलग से प्लेट में निकाल के ले रही हूँ। देखिए गोभी हमारा हो गया फ्राई करके। अभी उसी तेल में हमने बैंगन फ्राई करना है। बैंगन को मैंने ऐसे गोल करके काटा था क्योंकि फ्राई करने में बड़ा अच्छा लगता है। इसको नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लगा के साइड में रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। वो जो आधा वाला बैंगन दिख रहा है ना, वो उतना सा बचा था लास्ट में, तो मैंने सोचा उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए बैंगन जो है लगभग फ्राई होके तैयार है। अब थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। लीजिए अपना बैंगन बिल्कुल फ्राई होके रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे। बैंगन को भी हम
ले लिए। अब ये आलू जो है इसे हम गोल गोल करके काट के रखे थे, इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा राइस फ्लावर और थोड़ा नमक डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था। तो इसमें ना बहुत कुरकुरा सा फ्राई होता है। अगर आप राइस फ्लावर और नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे ना और फिर फ्राई करेंगे तो इसमें बड़ा मज़ेदार सा स्वाद आता है, बहुत कुरकुरा सा स्वाद आता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में, क्रंची टाइप का एकदम। तो मैं वैसे ही मिक्स करके रखा था और अब इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको बेसन डाल के जो भजिया जैसे बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं। लीजिए, आलू भी हमारा फ्राई करके हो गया है, इसे भी हमने बर्तन में निकाल लिए हैं। अभी इसी तेल में हम क्या करेंगे, दाल जो हमारा खिचड़ी बन गया ना कुकर में, अब उसका तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है अदरक। अदरक को मैंने छोटा छोटा करके काट लिया था, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दिया है लाल मिर्च सूखा वाला और 5 फोरन डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मसाला भून गया ना, थोड़ा सा 2-3 सेकेंड ऐसे हमने मिक्स कर लिया इसको। अब इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च और ओनियन जो काट के रखे थे तड़के के लिए वो। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी डाल दिया मैंने करी पत्ता इसमें। करी पत्ता को पहले इसलिए नहीं डाला, नहीं ताकि वो जल ना जाए और उसका फ्लेवर भी बरकरार रहे। लीजिए, हमारा जो खिचड़ी हमने कुकर में बनाए थे याद है, वो एकदम से अच्छे से बन गया है। अब इसको हम तड़के में डाल देंगे और बढ़िया सा क्या खुशबू आ रहा है। ऐसे अगर आप खिचड़ी को तड़का देंगे ना, खाने का स्वाद ही कुछ और होगा। आप चाहे तो खिचड़ी के ऊपर से भी तड़का डाल सकते हैं और फिर खिचड़ी को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना अलग ही एक स्वाद आता है। आप एक बार कोशिश करके देखिए इस तरह से बनाने का, बहुत ही स्वाद आता है खिचड़ी में। और ये जो खिचड़ी है बहुत ही हेल्दी है, इसमें मैं दलिया डाल के बनाया है, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। तो जिन लोग को चावल खाने से परहेज़ है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है चावल नहीं खा सकते, वो लोग भी इस खिचड़ी का मज़ा पूरा ले सकते हैं। वो जो गोभी हमने फ्राई करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता जो काट के रखे थे गार्निश के लिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। इसे आप घर में ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, और बना के आपके फ्रेंड्स में फैमिलीज में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया है, घी अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा जो खिचड़ी है बनके बिल्कुल तैयार है। अब है खाने की बारी। सो गर्मा गर्म खिचड़ी ऐसे भजिया के साथ बारिश के मौसम में अगर हो जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। सो देर मत कीजिए, अगर आपके एरिया में बारिश हो रहा है या अगर नहीं भी हो रहा है तो ऐसे खिचड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए लंच या डिनर। बहुत ही हल्का भी है, स्वादिष्ट भी है, टेस्टी भी है और मज़ेदार भी है। तो ऐसे बनाइए, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो लाइक मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज मैं चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलेंगे और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।